लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पचास कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अगर वो बच्चा सोया नहीं होता तो वो भी गब्बर को बोलता कि तेरे को ठाकुर के साथ लंगड़ी खेलनी थी क्या, किस साले के सिर्फ हाथ काट के उसे स्टाइल से शॉल ओढ़ने के लिए जिंदा छोड़ दिया, तब भी दो गोली ठोक दिया होता तो ना ही वो जय और वीरू को लाता, ना ही दोनों बसंती के साथ होली खेलते और ना ही क्लाइमेक्स में तेरी मारते। ये सारी हिंदी फिल्मों में है ना, विलन को हमेशा कार्टून बनाते, वो सिंग सॉन्ग करता हुआ डॉक्टर डैंग, सबसे बड़ा वो मगैम्बो जो साला हमेशा खुश ही रहता है। लेकिन ये जिंदगी है हीरो, फिल्म नहीं, इसमें सिर्फ एक गोली और भेजे की खाली खोली, खड्डा 2 सेंटीमीटर का और सामने से थोबड़ा मिस्टर इंडिया। द एंड होते ही ढलते हुए सूरज की ओर स्टाइल में तू नहीं बिल्ला जाएगा। आदमी मुसाफिर होता है हीरो, आता है जाता है, तेरे जाने का टाइम आ गया। मैंने सुना है कि मौत को सामने देखकर सारी जिंदगी आंखों के सामने फ्लैशबैक होती है, तेरे 2 बटन के सामने जिंदगी का फ्लैशबैक आया कि नहीं? जिंदगी का नहीं, सिर्फ पिछले 4 दिन का फ्लैशबैक है। हाय, तुमने यहाँ क्यों बुलाया लकी? ये घर, ये गाड़ी किसकी है? अपनी है। कम, लेकिन सिर्फ हफ्ते भर के लिए, मेरे एक दोस्त ने दिया है। और कब तक यूं दूसरों के घरों में छुपते रहोगे, दूसरों की गाड़ी में भागते रहोगे? हाँ। बस ये आखिरी काम होते ही लारा, ना किसी से भागने की जरूरत पड़ेगी ना किसी से छुपने की। ये देख, खुद का नया घर भी होगा और नई जिंदगी भी। इसके बाद ना तू डांस बार में नाचेगी, ना जिंदगी मुझे नाचेगी। तुम ये काम सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कर रहे हो? हमारे लिए। 10 साल का था मैं लारा, अक्सर अपने बाप के साथ उसके काम पे जाया करता था, हिंदी फिल्मी हीरो के पोस्टरों में पेंट भर के रंगीला करता था, लेकिन खुद की जिंदगी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। हर रोज फुटपाथ छोड़कर ऊपर चढ़ने की आदत थी उसे। एक दिन चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल गया और वो धड़ से नीचे गिर गया, सारे सपने चकनाचूर हो गए। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आई और उसे उठाकर ऐसे ले गई जैसे कचरे को ले जाती है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ऊपर चढ़ूंगा, नीचे नहीं गिरूंगा, लेकिन यह भूल गया कि जो रास्ता मैंने अपनाया है उसमें फिसलने के चांसेस बहुत है। कहीं किसी कोने में छुपी एक म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी मेरा भी इंतजार कर रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पीठ के पीछे एक गोली होगी। इसलिए तो इस काम से डरती हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती लकी।
मैं जानता हूं जो खेल में खेलने जा रहा हूं उस बाजी में दांव मेरी जिंदगी का होगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हर दांव सही होगा और हर बाजी हमारी होगी। फर्स्ट टाइम किसी और के साथ धंधा कर रहा हूं, समझा? इसके पहले मेरा फिक्स सप्लायर था। सप्लायर नया लेकिन दाम सही है। वैसे भी ठुकाई और कमाई में एक से ज्यादा जरिया होना बहुत जरूरी है, वरना खुद की ठुकती है। सारा इडियट। आ गया। धंधा सब ठीक है? सब ठीक है। बाहर का रास्ता हम खुद ढूंढ लेंगे। बाहर नहीं, तुम दोनों सीधे अंदर जाओगे। यू आर अंडर अरेस्ट। शिट। अबे साले ये क्या किया तूने? पुलिस वाले को मार दिया तूने? इसका मतलब ये बाहर भी निकली है साला। तो क्या करता?
जेल जाकर खुद के मरवाने का शौक नहीं है मुझे। अपने साले, पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम चाहता क्या तू? सारे शहर की पुलिस हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी। डैमिट, सही बोल रहा है ये, क्योंकि तुम दोनों की तो FIR भी दर्ज नहीं होने वाली, सीधा फायर। एनकाउंटर, एनकाउंटर में एक कुत्ते की मौत मरने वाले हो तुम दोनों। ए शाने, तेरे को बीच में बोलने का लाइसेंस किसने दिया है? इस शहर में बार चलाने के लिए दो टाइप का लाइसेंस तो लेना ही पड़ता है, एक दारू के लिए और एक इसके लिए। दम है तो अब चला। लकी, लकी मैं बोलता हूँ, गोली नहीं चलाना साले। अबे साले, पहले से मुसीबत कम है क्या जो एक और पंगा ले रहा तू? हाँ समझा इसको, वो तो फंसा ही फंसा, तुझे भी फंसा रहा है इसमें। शिट, पुलिस, लकी पुलिस आ गई, भाग लकी, भाग इधर से। कोई कोई हिलेगा नहीं, वरना पुलिस स्टेशन की जगह मुर्दा घर पहुंचा दूंगा। तू निकल, शाने को मैं संभालता हूँ। अरे यार, लेकिन अगर इस चढ़िया ने मेरे पे गोली चला दी तो मैं तो गया ना। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझ पर गोली चलाने से पहले इसे मुझ पर से निशाना हटाना पड़ेगा। निशाना हटा, यहाँ गोली चली, तो निकल। अबे साले, लेकिन मेरा पूरा पैसा इधर फंसा हुआ है यार। पैसे को भूल जा पैसे को। जब तक तू ऑफिसर की लाश उठाकर पैसा निकालेगा, पुलिस आएगी और अपने साथी के पास तेरी लाश गिरा देगी। पैसे को छोड़ो, निकल यहाँ से, निकल। पुलिस असली हो या नकली, आती साली हमेशा लेट ही है। क्या पटिए साले की। उठिए खांसा, बहुत हो गया नाटक, उठिए। कैसी लगी मुर्दे की एक्टिंग? अबे साले, तू तो पैदा ही हुआ मुर्दे की एक्टिंग करने के लिए। तुझे तो इस परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। दिलवाओ, दिलवाओ, इसको अवार्ड दिलवाओ। अपुन को तो अपने हिस्से से मतलब है बस। मिलेगा, मिलेगा, सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा, और मुझे मिलेगी अपने हिस्से की खुशी। मुस्कुराहट से जो खिला मेरा चेहरा है, तेरी जीत का ही तो सहरा है। कल से दुनिया एक प्यारी सी जन्नत है जो खुल रही है धीरे धीरे, वो आज तेरी किस्मत है। देख रहा है जिसको, वो तेरी अमानत है। रुकी है तेरे लिए अंदर एक हसीन सी आफत है। इसे रहने दो लारा, आज तुम्हारा नशा ही काफी है। नशा जितना बढ़े होश उतनी ही देर से आता है, और आज मुझे तुम्हारे होश पूरी तरह से उड़ाने हैं। हाँ।
लारा, 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 मेरे आगे है जन्नत, तो आज तेरी शामत है। दिल यूं किसी को देना मर्दों की बुरी आदत है। हेलो, हम सब कह रहे हैं। क्या बक रहा है मन्नू? बिल्ला लकी बिल्ला, वो आदमी बिल्ला के थे, वो पैसे बिल्ला के थे। क्या? हाँ, गणपत करीम गोटी सब गए लकी, अभी अपन दोनों की बारी है। क्या हुआ उन लोगों को? वो दोनों सुपरमैन बन गए। और गोटी? वो बोलता था ना कि उसका आखिरी काम है, वो सच बोलता था। बिल्ला ने भूल डाला उसको। लकी भाग, भाग! गुड मॉर्निंग सर। नाश्ते में क्या चाहिए? चाय, बिस्कुट या डायरेक्ट लंच में गोली? लाइफलाइन समझता है, तेरी छोटी थी लंबी कर दी। पैसा नहीं है? ओ, नहीं है? मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम, दूसरा है लखन। पहले कौन मरेगा, राम या लखन? बिल्ला सर, पैसे इसकी गर्लफ्रेंड लारा के पास है, वो इससे उड़ा कर ले गई है, मेरे पास कुछ नहीं है। तुझे देखते ही तेरी कमजोरी समझ गया था। जहां देखी लौंडिया, नाचने लगा डांडिया, मर गया बेचारा। हीरो बनकर झाड़ के पीछे हीरोइन के साथ नाचने की खुजली नहीं होती तो विलन बन सकता था, बिल्ला बन सकता था। लेकिन भागी तेरी हीरोइन तुझे मेरे लिए छोड़ के, अफसोस। मुझे मौत दी तो इस कारपेट पे से खून के धब्बे धुलवाने के बाद सिर्फ लॉन्ड्री का बिल वापस आएगा। मौका दिया तो शायद तेरे 25 लाख वापस आ जाएंगे। तेरे? आपके 25 लाख?
समझा बेटा? लंबी रेस के घोड़े को गोली नहीं मारते बिल्ला, गुड़ और चना खिलाते हैं, फिर दाम लगा के पैसा कमाते हैं। पैसे तो मैं तुझे बार में भी ना चाके कमा सकता। सोचना यह है कि तुझे बार में नचाऊं या रेस में भगाऊं। रास्ता देख रहा है, ये जिंदगी का हाईवे, हर बाजू से मौत 100 की स्पीड से आ रही है। अगर तू ये रास्ता क्रॉस कर पाया तो उस तरफ जिंदगी तेरा इंतजार करे। बिल्ला की आंखों पर पट्टी बांधने चला था, अब तू अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगा और भागेगा, आती हुई मौत को महसूस तो कर पाएगा लेकिन देख नहीं पाएगा। गई। अरे इतनी जल्दी नहीं मरेगा तू, क्या दे लंबी कर दी थी। हुआ गया है क्या? नहीं, ऊपर जाने से अच्छा है। ए! ये बैग ले, गोवा जा और गोवा से दूसरा बैग लेके आ। इस बैग में क्या है? मौका, और अगर ये बैग खुल गया ना तो वो भी उड़ जाएगा। जानता है ये हिंदुस्तानियों का फेवरेट टाइम पास क्या है? गाना और बजाना। और ना वहाँ तू गाने के लिए रुकेगा, ना बजाने के लिए रुकेगा, और ना बिल्ला है ना तेरी बजा देगा। जान जाए तो जान जाए, पर मेरा माल न जाए।
कोई मोहलत मांगे, कोई रहमत मांगे, कोई मोहलत मांगे, अपना तो एक ही जवाब यार, पैसों की क्या है कीमत, कीमत तो बस जानती है, जानती है मेरे पैसों की कीमत बस जानती है। चोरी चोरी हराम गोरी, अपना तो एक ही जवाब फुल कर दो। बात बोलूं बॉस, वो जो ब्रेसलेट है ना बहुत मस्त है। पिल्ला भाई ने दिया ये। क्या है कि अपन अपना काम बहुत परफेक्ट करता है। अपना मेडल है ये, मेडल। तुम लोगों की लाइफ भी ग्रेट है, कभी हाथ में कीमती ब्रेसलेट तो कभी पुलिस की हथकड़ी। हम लोगों की किस्मत में सिर्फ एक पीतल का मेडल पास। अब देखना, तू मुझे वहां ले जाएगा जहां तूने पैसे छुपा के रखे। मैं तुझे उठा के हवालात में डाल दूंगा। तू किसी ना किसी को फोन करेगा और कोई काले कोट वाला कौवा के तुझे बाहर ले जाएगा, और मैं वहीं बैठा चोपड़ी भरता रहूंगा। और पैसे ले जाएगी सरकार, और अपने हाथ में आएगा बाबा जी का। वहां है एक बात बोलूं? बोलो बॉस। इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसा समझदार आदमी पहली बार मिला है। तुम्हारे अंदर क्या है ना वो कि तुम आदमी देख कर बात करते हो। ये बात बिल्ला भाई को बताएगा मैं, बहुत अच्छी लगेगी उसे। अरे मेडल देगा तुमको,
मेडल। और गवर्नमेंट क्या देगी तुमको, किराए का घर और पेंशन? वेरी गुड। पूरी दुनिया में तेरे को इससे ज्यादा सुनसान जगह नहीं मिली थी क्या पैसे छुपाने के लिए? चॉकलेट खाएगा? साले पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या साले? गोली चलाता है? अबे भूल गया मैं बिल्ला का आदमी हूँ। ये गोली तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। बिल्ला का आदमी हूँ मैं। तू जिसका भी आदमी है अब उसके ज्यादा काम नहीं आने वाला, समझा? तू गया काम से। बिल्ला भाई के आदमी पर गोली चलाता है। बिल्ला होगा साला अपने बिल में। तेरी धज्जी उड़ा देगा। गोवा का टाइगर मैं हूँ साले। और टाइगर ना बिल्लो से डरता है और ना बिल्लो के पिल्लो से। वैको जागो। ये जिस्म देख रहा है, रेशम है रेशम। इस पे फिसलना बहुत आसान है, चाहे वो हाथ हो या नियत। मैं यहां इंतजार कर रहा हूं।
माल कहाँ है? मेरे पास है। पैसे कहाँ हैं? माल दिखा दो, पैसे भी मिल जाएंगे। शादी तब होती है जब दूल्हा दुल्हन साथ मंडप में बैठे हो। दूल्हा नहीं है तो क्या हुआ, बार आती तो है। अब मेरा हाथ फिसल गया ना तो तू रेशम से रेशमा बन जाएगा। डील होगी शाम को 7 बजे 9 बार में, माल लेकर आ जाना। मुहूर्त आज शाम का था और तू फेरे करवाने की अभी कोशिश कर रहा था। याद रखना वैको जाको, जब दरवाजे पे खड़े रहकर तरबान का काम दिया गया हो तो पंडित बनकर शादी करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। MH06R9099 यही नंबर था उस गाड़ी का जो पुलिस की जीप देखकर भी नहीं रुकी। और पुलिस के लिए इंसान सिर्फ तब नहीं रुकता है जब उसके पास पुलिस से भागने की कोई वजह हो। वजह बताता है या ढूंढ निकालो? वजह नहीं है इसलिए बता नहीं सकता, अगर होती तो भी ढूंढ नहीं पाता। अच्छा, फिर भी देख लेता हूँ। Maybe I'll get lucky. सही बोला तू, इसमें तो कुछ नहीं है। तेरे को पता है अमेरिका के डॉक्टर्स बोलते हैं सेक्स और चॉकलेट दोनों एक ही टाइप का मजा देती है। फर्क सिर्फ इतना है, एक में रैपर निकालना पड़ता है और दूसरे में आजकल चढ़ाना पड़ता है। चॉकलेट? नो थैंक्स। क्या ना, मुझे पहले से सिखाया गया है कि ना ही किसी अनजान आदमी से चॉकलेट लेनी चाहिए, ना ही उसे लिफ्ट देनी चाहिए। कहाँ मारकर कौन सी सड़क पर लाश छोड़ दे कोई बोल नहीं सकता। वेरी गुड। गोवा में हर साल लाखों मुसाफिर आते हैं, उनमें से एक आधा बेचारा यहां वहां टपक गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। गोवा आया है तो दरिया देख, दरिया के किनारे बैठकर नजारे देख, ज्यादा यहां वहां देखेगा ना तो दिखाई नहीं देगा।
हेलो। ओह हाय। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अब रुके ही हो तो कोशिश करके देख लो। प्रॉब्लम क्या है? यही कि प्रॉब्लम पता नहीं। कैन यू होल्ड दिस जैकेट प्लीज। प्रॉब्लम काफी सीरियस है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। वो तो काफी दूर है। ओ, तुम जा कहाँ रही थी? घर। वैसे रहती कहाँ? यहीं पास में। मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? ओके। कम। थैंक्स। I'm lucky. क्यों? मेरा मतलब मेरा नाम लकी है। ओके। That was a good show. Thanks. तुम थे वहाँ? तुम नाचती बहुत अच्छा। पेशा है या? शौक है। क्यों? नहीं, मैं जानता था किसी को जो ये पेशा बहुत शौक से किया करती थी। तुम करते क्या हो? You mean उसे खूबसूरत लड़की को लिफ्ट देने के अलावा कुछ नहीं। बस भटकता रहता हूँ यहाँ से वहाँ बिना किसी मंजिल के। खुश नसीब हो कि आजाद घूम सकते हो। तुम क्या करती हो? बस जीती हूँ। अच्छा काम है, छोड़ना मत। ये जख्म काफी गहरा लगता है, कैसे हुआ? तुम सवाल बहुत पूछती हो। क्यों, जवाब नहीं है? मेरी मंजिल आ गई। शिट। क्या हुआ? घर की चाबी गाड़ी में ही भूल गई। अब क्या करें? लगता है कि ताला तोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करूं? वो कैसे? तुम्हारे पास सेफ्टी पिन है? सेफ्टी पिन? हाँ। नहीं। हाँ है। आसान नहीं है। एक लॉक तो खुल गया, लेकिन दूसरा कैसे खोलोगे? जो खुलता नहीं उसे तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी खूबसूरत घर की कोई चीज तोड़नी नहीं चाहिए। अंदर घुसने का कोई और रास्ता तो जरूर होगा। शायद। बैक साइड फ्रंट से बेटर है। क्या मतलब? कहते हैं कि हर घर उसके रहने वाले के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताता है। तो ये घर तुम्हें क्या बता रहा है? It's really sexy. ये क्या कर रहे हो? चढ़ा रहा हूं। Are you okay? Yeah, I'm okay. Well, मैं चलता हूं। तुम्हें गाड़ी में लिफ्ट थी ताकि तुम्हें घर छोड़ सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों अब तुम्हें छोड़ने का जी नहीं चाह रहा। अंदर आना चाहोगे? श्योर। It's beautiful.
इट्स रियली ब्यूटीफुल, लेकिन अक्सर तितली के करीब जाओ तो वो उड़ जाती है। ये ना पास आने पर उड़ेगी और ना ही छूने पर। और तुम पास आने का बहाना ढूंढ रहे हो? नहीं, छूने का। हुआ क्या है? मैं बाद में समझाती हूँ, कहीं भी छुप जाओ प्लीज। अरे समझाओ तो सही, हुआ क्या है? जस्ट कहीं भी छुप जाओ। इतना वक्त क्यों लगा दरवाजा खोलने में? बाथरूम में थी। एक घंटे से रास्ते पे इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। सॉरी, मगर वो क्या है ना कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। क्या हुआ गाड़ी को? पता नहीं। तो यहाँ तक कैसे आई? किसी ने मुझे लिफ्ट दी। माने दो। हाँ। ब्लाउज खोल। लुका, नहीं प्लीज। खोलना। रहने दो प्लीज। मधु में बहुत गर्म हुआ था, ठंडा होना चाहता। खोल। लुका प्लीज। खोलना, क्या नाटक सब जो ना। लुका प्लीज। चल प्लीज लुका। रोज का तमाशा है, तुम्हें जबरदस्ती की तो ज्यादा अच्छा लगता ना। चल चल चुपचाप चुपचाप। एक मिनट। फिर अगर हाथ लगाया तो खोल के रख दूंगा। आप है कौन भाई साहब? तू कौन है? अच्छा, मेरे घर में मुझे पूछ रहा मैं कौन हूँ? तेरा घर? हाँ, मेरी बीवी ने बताया नहीं ये घर वो दहेज में लाई थी। तेरी बीवी? हाँ हाँ, जिसकी इज्जत बचाने के लिए तो मेरे ऊपर टार्जन जैसे टूट पड़ा। अब मुझे पता, मेरे घर में मेरी बीवी के साथ तू क्या कर रहा था? लुका, इन्होंने ही मुझे लिफ्ट दी थी, बस बाथरूम यूज करने के लिए अंदर आए थे। अपने फ्लोर पे बाथरूम कितने? एक। तू भी बाथरूम में, ये भी बाथरूम में, दोनों मिलके का फ्लश की टंकी साफ कर रहे थे। देखिए भाई साहब, बात खामखा गोल गोल घूम रही है। ये चीज़ इसलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया। आई एम सॉरी, चलता हूँ। आप सिर्फ अकेली लड़कियों को लिफ्ट देते हैं, उनके पतियों को भी हक है कि आपकी अच्छाइयों का फायदा ले सके? हमें गाड़ी तक छोड़ देंगे? बैठो। जेंटलमैन। चलो। सो किस माय वाइफ? क्या बोला? चुम्मा चुम्मा लिया कि नहीं? बोलना, लिया कि नहीं चुम्मा? तेरे को क्या लगता? हाँ, मन तो क्या होगा? हो सकता, और क्या क्या करने को मन किया? तू कहोगा तो लगता नहीं, टूरिस्ट तो है नहीं, यहाँ क्या कर रहा है? झक मार रहा हूँ। मेरा ही घर मिला था झक मारने को। तू जानता नहीं है शादीशुदा? नहीं। बताया नहीं इसने? नहीं। बेचारी कभी कभी भूल जाती, दिन में एक आध बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। जब तुझे पता चला तो बहुत गुस्सा आया होगा ना? मन क्या होगा कि साली की जान ले लूं? हाँ किया। मारेगा क्या मेरी बीवी को?
जान से मारेगा? मजाक कर रहा था, मजा आता है मुझे ये देखने के लिए कि सामने वाला उंगली पकड़ता है या उंगली दिखाता है। वो आ गई हमारी बीवी की गाड़ी। चलो देखे ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई गाड़ी में जो तेरे जैसा अकलमंद आदमी भी ठीक नहीं कर पाया। देखते देखते। ए, खुल जाओ सिम सिम। समझ गया प्रॉब्लम, समझ गया। चलो लग जाओ बस। ऐसा दो वायर्स में ऐसा स्पार्क उठा कि निकले हुए स्पार्क प्लग के पास किसी का ध्यान ही नहीं गया, लेकिन अब दोनों अपनी अपनी जगह पर फिट है। चलिए मैडम, या कहीं और जाने के लिए भी तुम्हें लिफ्ट चाहिए? थैंक यू। हेलो। ये बोलने के लिए फोन नहीं कर सकता था क्या कि पापा मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूं? अरे पापा को तेरी चिंता हो रही थी। वैको मिला? मिला मिला, लेकिन उस लंगड़े में बहुत खुजली है। खुजली इसलिए की क्योंकि उंगली मैंने की थी। देखना चाहता था कि लोहा गर्म है या नहीं। देख बिल्ला, ना मैं जय या वीरू हूं ना तो रामगढ़ का ठाकुर, अगली बार उंगली की तो तेरे हाथ काटने के लिए किसी गब्बर की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? तकदीर तेरी छुट्टी पे है, मौत तेरे सर पे है, लेकिन बातें ऐसे करता है जैसे जिंदगी तेरे बिस्तर पे है। तेरी इसी बात पर बिल्ला फिदा है जानू। आज रात पहुंच जाना 9 बार, वहां कोई लफड़ा नहीं हुआ। सीना जोरी चोरी या हराम को, इसका तो एक ही जवाब है। तेज था सर बेटा, इसका क्या करना है? छोड़ दो इसे, 20 साल बाद जब अपने बाप का बदला लेने आएगा तब खेलूंगा इसके साथ। जंजीर देखा क्या?
तो सो रहा चुम्मा नहीं लिया। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तू फिर आ गया दिमाग की माँ बहन करने। ड्रिंक ले और सटा यहाँ से। बस तू भी कमाल। सवेरे मुझे मेरे घर से निकाल रहा था, अभी मेरी बार। ये तेरी बार है? हाँ। क्या किस्मत है साला, तुझे भी अपनी प्यास बुझाने के लिए बार बार मेरे दरवाजे पे आना पड़ता है। अच्छी है। कौन कौन? बीवी? हाँ वो भी, और ये तेरा बार भी। लेकिन दोनों बहुत हाई मेंटेनेंस है। एक में हमेशा लफड़े होते हैं, दूसरी साले हमेशा लफड़े करती। इतने आदमी तो हैं संभालने के लिए। वही तो साला लफड़ा है, बहुत सारे आदमी है मेंटेन करने के लिए। फिर तो तेरी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो क्या टाइम पास करने के लिए खड़ा था? हाँ मेरी बीवी को खत्म कर, बार मैं संभालूंगा। तू फिर उंगली कर रहा? इस बार उंगली नहीं, हाथ दे रहा हूं। थाम ले, तुझे तेरी कीमत भी दूंगा। देखता क्या, पहले किसी को मारा नहीं क्या? तेरे से शुरू करूं क्या? मिलेगा क्या? मेरी बीवी को मार, तुझे तेरी कीमत मिल जाएगी। तू खुद क्यों नहीं मारता? हाँ उसे भी यह मालूम है और पूरी दुनिया को कि एक ना एक दिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। तुझ पर आसानी से भरोसा करेगी? सोच ले, तुझे तेरा चुम्मा भी मिल जाएगा, मुझे उसकी मौत। सौदा बुरा नहीं। गोवा में हर रोज 10-15 आदमी लुढ़कते हैं, उनमें से एक तू क्यों नहीं है? Go.
दूल्हा राजा कहाँ है? डोली लेके निकल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती थी कि आज जो हुआ वो अक्सर होता है। नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, और आज क्यों हुआ मैं खुद नहीं जानती हूँ। मुझे पता है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे उसके होने का अफसोस नहीं है। अफसोस मुझे भी नहीं है, लेकिन इसी बात का डर लगता कि आगे जाके अफसोस होगा। आगे क्या होगा कौन जानता है? मैं जानता हूँ, और शायद इसी बात का डर लगता है। अभी मैं जल्दी में हूँ, कल सुबह मुझे नीचे होटल रेड पाम के बार में मिलना, वहीं बात करेंगे। तुम ऊपर क्यों आ गई? जानना चाहती हूँ कि कल रात तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। तुम्हारे उस पति के बारे में। एक काम करो, तुम नीचे मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। क्या हुआ? गो गो गो। इस जीप की अच्छी तरह तलाशी लो। come on, fast. रूम नंबर 345। Can I have the car keys, please? Yes, sir. अरे वाह वाह दूल्हे राजा, कमाल है। शादी के सारे तोहफे लेकर अकेले ही गायब हो गया, मेरा इंतजार तक नहीं किया। ये यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? तोहफे कहाँ है? तोहफे का इतना ही शौक है तो चरणदिन में बुला लेना, तोहफे ले आऊँगा। फिलहाल तू किस तोहफे की बात कर रहा मैं नहीं जानता। तू हमेशा मेरे साथ छुपा छुपी क्यों खेलता है भाई? हाँ सर, उनमें कुछ नहीं है। अच्छा सर, गाड़ी में भी कुछ नहीं है। वेरी गुड, बैठो गाड़ी में। साला रूम में भी कुछ नहीं है, गाड़ी में भी कुछ नहीं है। बॉस एक बात तो कंफर्म है, तेरी किस्मत बहुत सॉलिड है, तू हर बार बच कैसे जाता है? हाँ बिकॉज आई एम लकी। अब मैं चलूं? इतनी भी क्या जल्दी है, देख अंदर करना तो कर, वरना हट मेरे रास्ते से। इस बार तो हट जाता हूं, लेकिन याद रखना जिस दिन मेरी हट गई ना, तू जरूर हट जाएगा। Thank you.
कोई भी फिल्म उठा ले, फिल्म में टेंशन कौन लाता है? विलन। लेकिन तू पहला हीरो है जो विलन को टेंशन दे रहा है। हाँ बोलना, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, तू किसी बात की टेंशन मत ले। जब तू बोलता है ना तो टेंशन ही नहीं लेता, लेकिन ये पैसा कमबख्त ऐसी चीज है जो टेंशन देती है। अब गांधी जी को ही ले लो, पूरी जिंदगी अहिंसा अहिंसा के पीछे भागते रहे और हमने उनकी फोटो ऐसी चीज पर छाप दी जो हिंसा की सबसे बड़ी जड़ है, पैसा। महबूब भाई, तो क्या फैसला किया आपने? अबे ढकनी के, तू फिर आ गया साले। अखी मुंबई में तुम लोगों को खाली मेरा ही डिस्को दिखता है। तेरे को बोला था ना कि मेरे को ये क्लब नहीं बेचने का है, बोला था ना तेरे को। तू एक काम कर, अपने बिल्ला भाई को बोल दे कि महबूब भाई की किसी से फटती नहीं है। क्या बोला? किसी से फटती नहीं, समझा ना? जो उखाड़ने का है उखाड़ ले, जा। बात करता है साले। ए बिल्ला के पिल्ले, क्या बोला तेरे को? जाना। तूने जो बोला मैंने सुना लेकिन देखा नहीं, फिर से बोल। देखो बिल्ला भाई, आप मेरी बात समझो, मेरे को ये डिस्को नहीं बेचने का है। अरे पैसे दे रहा हूं फिर भी नहीं मान रहा, ये शराफत भी मगज मारी है। पर मुझे नहीं बेचने का है ना, ये मेरा डिस्को है। किसने बोला तेरा डिस्को है? तेरा क्लब था, अब बिल्ला का क्लब है, हैं? वो हीरो की हीरोइन मिली? हाँ मिल गई बिल्ला भाई, आजकल क्लब अरेबिया में नाचती है, वहां अरबों का दिल बहलाती है। हर जोरा के मुकद्दर में कोठा ही है और कोठे का हर सिकंदर, कोठे का हर सिकंदर। हर रोज शिकायत होती है, पीने को मेरे बिना न कहो, यूं भी तो इबादत होती है। वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी ऐसे जो तबा करे, वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और रह न जाए कोई खागी शिवाओं की। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और रह न जाए कोई खागी शिवाओं की। वो शराबी क्या
शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी मैं से जो तबा करे, वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो। ओ जाकी साकी रे जाकी साकी, आपस और रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ जाकी न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। मेरा खुदा है आशिक मेरा नाम है, इश्क की गलियों में ना जाना इश्क बड़ा बदनाम है, इश्क तो मेरा खुदा है आशिक मेरा नाम है, आशिकी के हर कदम पे रोज कत्ले आम है, आशिकी में जाल उठाना आशिकों का काम है। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। तू गोवा में मैं मुंबई में, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? कहीं तुझे गोवा के बीच पे कोई राधा तो नहीं मिल गई? मुझे लगा कि तू नेशनल टाइम पास करने के लिए रुक गए। बोल तेरे लिए यहां से क्या लाऊं? कुछ नहीं। फिर बोलना मत कि पापा ने पूछा नहीं। चल रखता हूं। कौन था? लक्की। लकी? तेरा लकी जिसे तू खाली हाथ खड़ा छोड़कर यहाँ मेरे साथ लेटी है। यानी कि तुम? बिल्ला, तेरा बिल्ला। पैसा वहाँ है। पता है? देखो जान, बात पैसों की नहीं है, असूल की है। बिल्ला ने कभी किसी औरत को नहीं मारा, क्योंकि बिल्ला की नहीं मारी। जब हीरो को एक मौका दिया तो वैम को एक मौका देना ही पड़ेगा। चल एक कप पांच खेलते हैं। तेरी लाइफ को एक मौका और मौत को पांच मौके।
पांच का एक है और मेरी लाइफ को पांच मौके आजमा कर देख लो जानू। तू यहां चल क्यों रहा है? स्विमिंग नहीं कर रहा? सुना है कि मांडवी की आधी मछलियों के साथ पूरा गोवा स्विमिंग कर रहा है। देख मुझे अकेला छोड़। चलना, तेरे आखिरी दिनों में कोई तो तेरे साथ होना चाहिए ना। आ जा बैठना गाड़ी में। तू फिर शुरू हो गया? तू खत्म हो जा, इसके पहले मैंने सोचा मैं शुरू हो जाता। देख तेरे सामने एक ही रास्ता है, आ जा बैठ। आ जा, आ जा। Can I help you, please? Thanks. तो मुझे कुछ बताने वाले थे? बताने के लिए कुछ है नहीं। कहाँ जा रही हो? साथ चलोगे? मेरी जान लेने के लिए कितने पैसे दिए तुम्हें लोका ने? ये तुमने कैसे सोच लिया? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि उसका इरादा क्या है? कि उस दिन वो गाड़ी में सिर्फ मजाक नहीं कर रहा था? मैं कल तुम्हारी बात से सब कुछ समझ गई। बस ये जानना चाहती हूँ कि कितनी कीमत लगाई उसने मेरी जान की। उससे छुटकारा पाने के लिए 25 लाख रुपए भी दे दिए। मैं 12 साल की थी जब अपनी बहन आंजला के घर रहने आई। माँ बाप के मरने के बाद मेरे घर रहने आई थी साली। मैंने अपने सामने एक बच्ची को देखा, मगर उस बच्ची की आंखों में मुझे एक औरत साफ दिखाई दे रही थी। तब मैं एक बच्ची थी, लेकिन लुका की आंखों ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा जिस्म एक औरत का था। बार बार वो मुझे छूने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, मगर जब से ये साली घर आई पूरी घरवाली बनना चाहती थी।
शुरू शुरू में जब वो मेरे बालों के साथ खेलता था मुझे अजीब सा महसूस होता था, लेकिन मैं खामोश रहती, नहीं जानती थी ये मेरी खामोशी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। वो मुझे हर वक्त छूने का बहाना ढूंढता था। तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान चाहे जानवर से मर्द बन गया हो, लेकिन कुछ ऐसे मर्द हैं जो जानवर से इंसान कभी नहीं बन सकते। फिर एक दिन आ गया जब वो बच्ची बच्ची नहीं रही। सोफा मखमल का था, वो मखमल की थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सड़क कांटों पर लेटा हुआ हूं। मुझे भीगते हंसते हुए देखकर लुका की नीयत और बिगड़ती गई। सैम जब जानबूझकर मुझे पानी से भिगाकर हंसती देखने में उसकी वो हंसी मासूम सी लगती थी, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि वो साली मुझ पर हंस रही है। उस पूल से निकलने से मुझे डर लगता था, क्योंकि मैं जानती थी कि लुक अपनी गंदी नजर से मुझे देख रहा है। जब वो पूल में उतरती थी वो पूरी तरह जानती थी कि उसके जिस्म से गिरती हुई हर बूंद मुझे पूरी तरह से डुबो रही है। जानबूझकर जब वो मेरी तरफ आती तब एक पल के लिए ऐसे लगता था कि पानी में आग लग गई हो। दिन मैं घर में अकेला था, एंजला बाहर गई थी मगर सैम घर पे थी। उसने सिर्फ टावल ही नहीं गिराया, उसने मुझे गिरने पर मजबूर कर दिया। सैम, सैम,
फिर हर रोज मैं और गिरता गया। उस दिन जब मैं नहा कर निकली, मैं नहीं जानती थी कि लोका की नियत अब हर हद पार कर चुकी थी और वो मेरा इंतजार कर रहा था। चुप चुप, क्वाइट क्वाइट क्वाइट। उस बिस्तर पर सिर्फ मेरे जिस्म का ही नहीं, मेरे रूह का भी बलात्कार हुआ। और एक दिन जमीन सामने आ गई। लुका, मैंने एंजेला को समझाने की कोशिश की, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। सैम ने अपने बहन को यकीन दिलाया था कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूं। कुछ भी मत बोलो। बच्ची समझ कर तो मैंने उसे गोद में बिठाया था। गोद से बिस्तर तुम्हारी सिस्टर ले आई, पूछ उसको, तुम्हारी कसम करके बोलता हूँ। पुलिस को लाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, कसम करके बोलता हूँ। हम दोनों की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। यू टच माय सिस्टर। एंजेला, बात सुन मेरी। तू एंजेला पुलिस को बुलाने निकल पड़ी और वापस कभी नहीं लौटी। बहन की जान ले ली। जब एंजेला की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तब उसकी मौत ने मेरी जिंदगी का भी फैसला कर दिया। लेकिन अब वो मुझसे ऊब चुकी है। जानबूझकर मुझे सताने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए दूसरे मर्दों के साथ खेल खेलती है। जब रास्ते से गुजरता हूं, लोग हंसते हैं मुझ पर। तुम्हें क्या लगता है, तुम पहले मुसाफिर हो जिसने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी? और अगर तुम सच मुझे ऐसा समझते हो तो तुम मुझसे भी बड़े बेवकूफ हो। इसलिए मैं उसकी मौत चाहता हूं ताकि फिर कभी उसकी गाड़ी खराब ना हो और कभी कोई मुझ पर ना हंसे। अब यह भावनाओं से टकराव भरी कहानी बनकर समझा? तेरा काम करूं ना करूं इसके बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन अगर काम किया तो पेमेंट कैसे करेगा? टीडीएस काट के चेक से तो नहीं दूंगा, कैश ही दूंगा। मैं जानती हूँ कि लुका मुझे क्यों मारना चाहता है, उन इंश्योरेंस के पैसों के लिए जो मेरी मौत के बाद उसे मिल जाएंगे, और मेरी बहन के उस जायदाद के लिए जो मेरी बात उसके नाम हो जाएगी।
जबकि उसके पास ढेर सारा पैसा छुपा हुआ है। ये तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ। लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? बस यूं ही। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि हम वो पैसे चुरा लें? मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। लेकिन अब तो सोच सकते हो ना? देखो लकी, एक बात तो साफ है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, और उससे भी साफ यह है कि तुम मुझे मारने के काबिल नहीं हो। इसलिए लुका से तुम्हें पैसे मिलेंगे तो नहीं, लेकिन चोरी तो तुम कर सकते हो ना? यह तो तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अचानक तुम्हें मेरी फिक्र कैसे होने लगी? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, खुद की है। लुका मेरी मौत तो चाहता ही है लकी। आज अगर तुमने मुझे नहीं मारा ना, वो कल किसी और को ढूंढ लेगा। अगर मैं उसके साथ और देर रही, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। लेकिन अगर हम वो पैसे चुरा लेना, तो तुम्हारी भी जरूरत पूरी हो जाएगी और मैं भी आजाद हो जाऊंगी। लुका के पास कितना पैसा है? काफी है, और मेरे पास प्लान भी है। प्लान बहुत अच्छा है। उसे कैसे मारना मैं तुम्हें समझाता हूँ। रात को 10 बजे के बाद तुम मेरे घर में घुस जाना। मैं और सैम ऊपर रूम में रहेंगे। अंदर घुसकर तुम कोई ऐसी चीज गिराना जिससे आवाज हो, सैम डर जाएगी। क्या हुआ ये देखने के लिए मैं नीचे आऊंगा, लेकिन फिर ऊपर नहीं जाऊंगा। कमरे में सैम सोचेगी मैं ऊपर क्यों नहीं आया। डर के मारे वो नीचे आएगी और देखेगी मैं फर्श पर हूं। तुम कल रात 10 बजे घर पर आना। लुका मेरे साथ बेडरूम में होगा। तुम कुछ आवाज करना, वो नीचे देखने जाएगा और मैं उसके पीछे आ जाऊंगी। जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचेगा, मैं उसे पीछे से धक्का दे दूंगी। डर के मारे वो मेरे पास आएगी। लुका? मुझे उठाने की कोशिश करेगी। मैं उठूंगा नहीं। अचानक दबे पाँव पीछे से आकर तुम उसे दबोच देना। कब गला घोट देना, जब तक कि जान निकल ना जाए। फिर मुझे बांधकर अपना पैसा लेकर तुम निकल जाना। और फिर तुम उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देना। सुबह होगी और लोगों को चोरी के बारे में पता चलेगा, हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। दूसरे दिन दुनिया कहेगी किसी ने लुका के घर में घुसकर उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी का कत्ल कर दिया और उसे बांधकर पैसे लेकर भाग गया। अच्छा ना प्लान? अच्छा है। बहुत कमी ने देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं। क्या करे, मुझे पैदा करके मेरा मोल तोड़ डाला उसने। ये लो चाबी। सोच क्या रहे हो? ये रही मेरे घर की चाबी। रात को मिलते 10 बजे।
बाबा के साथ क्या कर रहे हो? क्या करे, आजकल टाइम जरा टेढ़ा टेंशन वाला चल रहा है। गफलत में कोई भी किसी भी वक्त घर में घुस सकता है। दिमाग में टेंशन रखने के बजाय हाथ में पिस्तौल रखना ज्यादा अच्छा है। हमें किससे खतरा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सोचो, किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की तो इससे उसको ठोक तो सकता हूँ। ये बात और है कि अब तक सोचा नहीं कि तुम्हें ठोकने के पहले या ठोकने के बाद मैं उसे ठोकूंगा। ड्रिंक लोगे? तुम्हारा साथ मिलेगा तो लूंगा। सैम, सुना? खोल। क्या? ब्लाउज और क्या? खोल और इधर आके बैठ। आजा, आजा, आजा। नहीं। क्यों? आज भी कोई बाथरूम में खड़ा देख रहा है क्या? चल खोल खोल। Just shut up। बार बार झुकती है और मेरे को ही शट अप बोलती है। कभी नहीं छुएगा, कभी नहीं। बताओ तो हुआ क्या? Just tell me what happened. अब नाम ही क्या नसीब है तू? किसने इसका नाम बोलने को? वो हरामी ने? हाँ, आजकल लोगों को खुश करता है, मुझसे भी ज्यादा खुश करता है। हाँ, करता है। क्या बोले तू? एक मिनट, let me help you, darling. आराम से. कैसी हालत होगी तुम्हारी? क्यों करती हो ऐसा? आराम से, don't worry, darling. 13 साल की उम्र से मुझे तकलीफ देते आई है तुम। आराम से. तेरी वजह से उस वक्त मेरी नीयत फिसल गई। तेरी वजह से उस वक्त मेरी बीवी ने हमको बिस्तर पे पकड़ा। तेरी वजह से बेचारे ने खुदकुशी कर ली। कैसी हालत होगी तुम्हारी? कहाँ घुसी है? काज देखो देखो देखो। एक बदन ठीक है, फिक्र मत कर। मैं हूं ना, ख्याल रखूंगा तुम्हारा। तूने मेरे कपड़े उतारे।
मारा मुझे, मारा मुझे, मारा, साली, जान जान ला। आजादी चाहती थी जो मुझे मिली। अब अगर मेरी बाकी की जिंदगी मैं जेल में भी गुजारूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जाओ लाके। उठो सैम, जो जिंदगी तुमने अब तक बिताई थी वो जेल थी, अब तुम आजाद हो। यह पैसा तुम्हारा है, कल तुम्हारा है। उठो और चलो मेरे साथ। सोच क्या रही हो? कम विद मी, कम लेट्स गो। एक सेकेंड, वो रिवॉल्वर कहाँ है? ऊपर है। अच्छा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। फंस गया ना, आ गया उसकी बातों में। सब ठीक है।
फिलहाल उस पुलिस वाले से खतरा टल गया। नहीं, जब तक ये पैसे हमारे पास है खतरा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसे उसके हैं जिसे वो लुका के पास रखता था। अपनी बीवी को संभाल सका ना मेरे पैसों को। कहां जा रहे हो? पैसे को ठिकाने लगाने, क्योंकि अगर तुम्हारा वो देवराम तक पहुंचा और उसे ये पैसे नहीं मिले तो हमें मौका मिलेगा उसे सौदा करने का। अब तक नाराज हो? नाराज? दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पीछे पुलिस आ गई, बिल्ला और साथ में तुम, जिसकी हर बात झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। क्या मतलब? पहली बार मिलने पर तुमने यह नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। दूसरी बार तुमने अपने बचपन और लूका के बारे में बताया, जबकि लूका की कहानी कुछ और ही थी। फिर तुमने घर बुलाया चोरी करने के लिए, और मेरे वहां पहुंचने से पहले तुम लूका को ऑलरेडी मार चुकी थी। और अब तुम कह रही हो कि ये पैसा पुलिस वाले का है और पुलिस वाला जो है लूका का भाई है। तुम्हारे हर शक का जवाब है मेरे पास लकी। अगर मैंने तुम्हें बताया होता कि मैं शादीशुदा हूं, क्या तुम रुक जाते? लूका ने अपनी बीवी की मौत का सौदा तुम्हारे साथ किया और तुमने उसकी बात पर यकीन किया। उस घर में मेरी हालत देखी, तुम्हें क्या लगता है कि वो हालत मैंने खुद की? और उस पुलिस वाले का लुका से क्या संबंध? वो पैसे किसके हैं? उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ पैसे ही चाहिए थे ना? खैर, तुम मुझ पर यकीन कभी नहीं कर सकोगे। Thank you.
13 साल की थी तब से तुझे गोद में खिलाया, बाहों में झुलाया, बिस्तर पे लेटाया। अब भी तेरा बदन मुझे तरसाता है। तुझे छूने से झटका लगता है, जोर का झटका। बहुत बुरा लगा जब तूने मुझे मारा। देख देख क्या हालत बनाई है मेरी तूने। वो तेरे साथ सिर्फ तेरे पैसों के लिए। 100% तुझे कल छोड़ के चला जाएगा। तेरे बदन से उसकी बदबू आती है। किसी और के साथ सोने के बाद मैं तुझे कैसे अपना सकता हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हें मरना होगा। वी हैव टू डाई, वी हैव टू डाई। कीमत कीमत तो बस जान की है। मेरे पैसों की कीमत बस जान ही है। जीना चोरी चोरी या हराम खोरी, अपना तो एक ही जवाब है यार, तेज धार। तेज धार। आंखें तुम्हारी कायामत है, होम गुलाब की दो पंखड़ियां हैं। जन्नत अगर जमीन पर है तो यही है, यही नहीं है। बिल्ला बैठिए ना भाई, बैठिए ना प्लीज। हाँ बैठिए। किसकी लोगे भाई? लकी का पता। लकी का पता तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसका पता लगाने के लिए एक आदमी और आया था। कौन? मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं वैको, ये पता लगाने के लिए कि वो साला कहाँ खा रहा है, कहाँ खिला रहा है और मेरे भाई की बीवी को कहां छुपा रखा है। वरना भागने के लायक तो है नहीं, खाने और खिलाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। हेलो हेलो बिल्ला। लकी, मैं पैसे लेके पहुंच रहा हूं। तू बहुत पहुंची हुई चीज है यार, 2 दिन से पहुंच ही रहा है।
तू वहां 5 मिनट ठहर, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तू गोवा में क्या करता बॉस? आना ही पड़ा, पब्लिक की डिमांड थी। कहानी खत्म होने को आई और अभी तक एक्शन शुरू ही नहीं हुआ। अब मैं आ गया हूं ना, अब देख तमाशा, दिखाता हूं तेरे को पिपाशा। कहां है तू? होटल लगुना अंजुना। सैम, आई एम सॉरी। कल रात की हर उस बात की जिसकी वजह से ना ही तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए ना मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं इस वक्त हमारे बीच सिर्फ यह दरवाजा नहीं, गुस्सा है। एक ऐसी दूरी है जो तब जाके दूर होगी जब हमारे बीच भरोसा होगा। सैम, 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 यही सोचता हूँ कैसे उसको बुलाऊंगा। आएगी ना उसे भूल पाऊंगा। जीने का ठिकाना है ना, मरने का बहाना है। जीने का ठिकाना है ना, मरने का बहाना है। इतना भी कोई सताए ना रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा। डरो मत, पैसे जहां रखे थे वही हैं। डर पैसे खोने का नहीं था। रहने दो लकी, मैं सिर्फ ये कहने आई हूं कि मैं जा रही हूं। जाना ही था तो फिर कहने क्यों आई हो? ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं? आ बेटा, मैं हमेशा सोचता था कि मेरी दुनिया बहुत अलग है, जहां लोग हाथ थामते नहीं छुड़ाते हैं, गले लगाते नहीं काटते हैं, भरोसा करते हैं बाद में पछताते हैं। मैंने तुम पर भरोसा करना चाहा, लेकिन अफसोस धोखा खाने की ऐसी आदत हो गई थी कि नहीं कर सका। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों की दुनिया इतनी भी अलग नहीं है। जख्म दोनों ने खाए, लेकिन कभी किसी को मौका नहीं मिला कि नजदीक आकर वो जख्म भर सके। रात वो मौका था लेकिन मैंने गवा दिया। तो अब क्या चाहते हो? एक और मौका।
जरा भी नाटक किया ना तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। क्यों सरकारी गोली वेस्ट करते हैं? ये जिए मरे मुझे क्या फर्क पड़ता है। चल मैं इसको ठुक देता हूं। ये मत सोचना कि गोली गलती से कंधे पर लगी। अगली बार हाथ उठाया ना तो छे की छे 6 इंच नीचे डाल दूंगा, समझा? पिल्ला का खून अभी तक लाल है, बहुत सालों बाद देखा है ना। पचास कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है सो जा बेटा, नहीं तो कब्बर आ जाए। आदमी मुसाफिर हो गई माता है। पैसा लड़के के पास है, तेरी ये नवरात्रि खत्म ही नहीं होती। फिर डांडिया, लड़की कहाँ है? जहाँ है वहां मैं तुझे ले जा सकता हूं। तेरी ये बात मुझे बहुत पसंद है, अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकलता है। डबल सीट गया क्या? तूने मुझे भेजा पैंट में रखकर नहीं घूमता हूं मैं, बता कहां है? कहां है? चल बेबी, लड़की भी मेरे पास है, पैसा भी मेरे पास है, तो तुम दोनों किस बात के लिए झगड़ रहे हो? अब बहुत हो गई हैंड फाइट, फाइनल टेक करें क्या? याद है हीरो, मैंने तुझे जिंदगी का हाईवे दिखाया था, अब ये मौत का रेलवे है। सामने से मौत 500 के स्पीड से आती है, अब तुम दोनों इन दोनों पटरियों पे चलोगे। जिसकी तरफ ट्रेन मुड़ी उसका इस कहानी से खेल खत्म। हीरो, अगर तू बच गया तो लड़की तेरी, पैसा मेरा, और अगर ये पांडू बच गया तो पैसा उसका और लड़की मेरी।
Fail. Now, ladies, walk. रसूल है जो सारे जहां को कबूल है, अपना बस एक रसूल है सारे जहां को कबूल है। जान जाए तो जान जाए पर मेरा माल न जाए, मान जाए तो किसी न किसी की जान जाए। कोई रहमत मांगे कोई मोहलत मांगे, कोई रहमत मांगे कोई मोहलत मांगे, अपना तो एक ही जवाब है यार, तेज धार तेज धार तेज धार तेज धार। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ बचेगा, बोल कहाँ छुपेगा, बोल कहाँ छुपेगा। पैसों की क्या है कीमत, कीमत तो बस जान की है, जान की है मेरे पैसों की कीमत बस।
अपना तो एक ही जवाब तेज़ दवा